नमस्ते, कैसे हैं आप सब? मैं तो मस्त हूँ। बीच बीच में मैं भी उदास हो जाती हूँ, तो बाबा के ऊपर आज चरणों में फिर से मेरा जो चिंता विंता है सब उनके चरणों में दे देती हूँ, फिर से ठीक हो जाती हूँ। तो क्या है, आज का वीडियो कुछ ऐसा है कि पहले मैं ये बोल देना चाहती हूँ कि मेरी हिंदी बहुत ख़राब है, लेकिन मैं ये वीडियो हिंदी में ही बनाना चाहती हूँ, तो इससे मतलब सबको पता चले, इसीलिए मैं बना रही हूँ। तो कृपा करके अगर हिंदी भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिए। क्या है, ये वीडियो कुछ तो मेरे रिलेटेड ही है, कुछ हद तक मेरे रिलेटेड ही है, और कुछ हद तक ये एक महान योगी के बारे में है, और उनके साथ साईं बाबा भी जुड़े हैं। तो ये क्या है, कुछ महीनों से मेरी झुकाव दिन ब दिन महाअवतार बाबा जी के चरणों में बढ़ता ही जा रहा था। तो मुझे ना ये मन ही मन बहुत ख़राब लगा। महाअवतार बाबा जी को शायद आप लोग नहीं जानते हैं बहुत कोई, तो गूगल में यूट्यूब में सर्च कर लीजिए महाअवतार बाबा जी कौन है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक लेकर भी आऊँगी कि महाअवतार बाबा जी कौन है। तो मेरी झुकाव उनकी तरफ बढ़ गई। मैं तो पहले नहीं जानती थी कि महाअवतार बाबा जी कौन है, जैसे जैसे उनको जानता गया तो मेरी झुकाव दिन पर दिन बढ़ती गई, और मुझे मतलब अंदर से ये आवाज़ आ रहा था कि मैं ये सही कर रही हूँ, मेरे पास तो साईं बाबा है, मैं साईं बाबा को मानती हूँ, तो कि किसी और को मन में बिठाना क्या सही है? मतलब बाबा को क्या कम सम्मान देना है? क्या इससे बाबा नाराज़ हो जाएगा? ऐसे बहुत सारी बातें, क्या मैं साईं बाबा से दूर हो रही हूँ? लेकिन कुछ दिनों में ही मेरी बाबा ने मेरी ये जो मन में जो बात चल रहा था उनको पूरा क्लियर कर दिया। कैसे, ये जानिए। तो क्या हुआ, जैसे जैसे मेरी मन में ऐसा होता गया, तो ना जाने कैसे मुझे एक महान योगी के बारे में जानने का मौका मिला। उनके नाम है श्री एम सर। श्री एम सर अभी भी है, और वो क्रिया योग, ध्यान और बहुत सारी स्पिरिचुअल बातें वो सिखाते हैं। वो एक योगी है, लेकिन रहते हैं पूरे आम इंसान की तरह, क्योंकि उनके योग जो गुरु थे उनको उनका यही आदेश है कि तुम एकदम एकदम नॉर्मल इंसान की तरह रहो, और सब सबको स्पिरिचुअल जानने में मदद करो। हाँ, तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे, वो सी एम सर जो जिनके बारे में मुझे जानने का मौका मिला, उनका गुरु था महेश्वरनाथ बाबा जी, और महेश्वरनाथ बाबा जी के गुरु है श्री गुरु महाअवतार बाबा जी, जिनके पहले मैं आपको बोला कि जिनकी तरफ मेरी झुकाव कई दिनों से लगातार होता गया, तो वो है उससे रिलेटेड है पूरा। तो मैं और भी सीएम के बारे में जानने लगी, बहुत सारी बात इकट्ठी की। फिर उनके एक ऑटोबायोग्राफी ये मैंने मंगवाई और पढ़ना शुरू किया। ये जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, मेरे मतलब हम लोगों के है जो महाभारत रामायण जैसा है ना वैल्यूएबल हम लोगों के लिए, मेरे लिए ये किताब उतना ही महत्वपूर्ण है। तो जैसे जैसे मैं ये बुक पढ़ता गया, मतलब अचानक दो तीन जगह में मुझे साईं बाबा के बारे में बहुत सारी अनसुनी बातें सुनने का मौका मिला, बहुत सारे अनसुनी बातें। तो जैसे ही पहली बार मेरे सामने में इस किताब में आया, तो मेरे साथ साथ रोंगटे खड़े हो गए, और मैं साईं बाबा को कितने बार थैंक यू बोला आप सोच नहीं सकते, कि बाबा तुमने मेरा जो मन में हिचकिचाहट था इस बात को लेकर कि मैं बाबा जी की तरफ झुक जा रही हूँ और तुमसे दूर हो जा रही हूँ, तुमने पूरा क्लियर कर दिया। मतलब अभी कोई प्रश्न मन में नहीं है, कोई दिधा नहीं है, मतलब मैं बहुत खुश हो गई। तो बहुत सारी इनमें बातें हैं, तो मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जब श्री एम साई बाबा से मिले, मतलब उनके देहांत के बाद साई बाबा से साक्षात मिले और बात भी किया, सुनिए कैसे।
एक बार क्या हुआ, सीएम सर को आदेश मिला उनके गुरु महेश्वरनाथ बाबा जी से, शिरडी राव। ठीक है, जब उनको आदेश ये मिला तो फौरन बस पकड़े और देर रात, बहुत रात हो चुका था, देर रात वो शिरडी पहुँचे। तो शिरडी में प्रांगण में, जो समाधि के प्रांगण में देखा, उनके गुरु, उनको बाबा जी कहते थे वो, कहते हैं वे, तो उनके गुरु खड़े थे। तो उनको जैसे देखा, चलो हम साईनाथ से मिलने चलते हैं। बाबा, बहुत रात हो चुका है, उसने कहा। बोले, चलो चावड़ी जाएंगे, जहाँ साईनाथ सोते थे वहाँ जाएंगे, साई बाबा से मिलेंगे। तो उन्होंने चलना शुरू किया। चावड़ी जैसे पहुँचे तो सीएम ने देखा कि उन, मतलब कुछ कुत्तों के सिवा वहाँ पर कोई नहीं था, और चावड़ी पे ताला लगा हुआ था। तो उसने, उन्होंने उनके गुरु से बोला कि बाबा, इधर तो ताला लगा हुआ है, तो हम लोग कैसे अंदर जाए? तो उनके गुरु ने कहा कि तुम आंखें बंद कर लो, जब तक मैं ना कहूँ आंखें बिल्कुल मत खोलना, तो और जैसे मैं कहूँ वैसा करना। तो उन्होंने जैसे कहा कि आंखें बंद कर लो, तो उन्होंने आंखें बंद कर लिया, और उन्होंने कहा आगे बढ़ो, तो उन्होंने आगे बढ़ा। जैसे लगा कि पर्दा को धकेल रहा है, मतलब एक पर्दा है मोटा सा, उसको धकेल रहा है, और जब उनके गुरु ने कहा अब आंखें तुम खोल सकते हो, तब सीएम ने, सैन ने आंखें खोला और हैरान बहुत हुआ, लेकिन उससे भी हैरानी की बात तब उनके सामने में आई। क्या बात था? चावड़ी में एक फटाफटी कपड़े से रस्सी हुए, और एक माचे, छोटा सा माचा था, उनके ऊपर स्वयं साई बाबा सोए हुए थे। मतलब वो देखते रह गए कि सारा शरीर कांपने लगा, रोंगटे भी खड़े हो गए। साईनाथ कैसे हो सकते हैं? 1980 इयर्स में तो मतलब चले गए थे, वो इधर अभी जिंदा कैसे हो सकते हैं? तो ये सोच ही रहे थे तो साई बाबा उठ बैठे और माचे के ऊपर से तैरते हुए शिव के सामने में खड़े हो गए। उनके हाइट कम से कम साई बाबा का 6 फुट था, और पहलवानी शरीर था। तो खड़े हो गए, मतलब ये मैं जब पढ़ रही थी ना एपिसोड, मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। मतलब और बाबा से मैं इतना गुस्सा हुआ कि तुम सीएम से बात किए, मुझसे नहीं बात किए ना, मैं इतना छोटा ही हूँ। तो उनके सामने मैं आया और उनके जो गुरु थे उनसे गले मिले, साई बाबा उनसे गले मिले और उनके नाक छूने, जैसे मुसलमानी तरीके से होते हैं वैसे ही। और सीएम सैन ने साई बाबा को षष्टांग प्रणाम किया। साई बाबा ने कहा, सलाम बच्चे, अल्लाह भला करे। तब उनके गुरु ने कहा, इसको आशीर्वाद दे दीजिए। तो उन्होंने कहा, तुमको एक महान गुरु मिला है, अल्लाह भला करेगा, कभी जैसा काम करो, मेरे जैसा ही काम तुमको करना है। साई बाबा ने सीएम सर से कहा, मेरे जैसा काम ही तुमको करना है, लेकिन अलग तरीके से। ये दुनिया समझता है कि मैं पागल हूँ, लेकिन ये दुनिया पागल है, साईनाथ ने ऐसा कहा। और उनकी माचे से, मतलब जो एक टोटला था उनके, उनमें से कुछ पैसे निकाले और सीएम सर को दिया, लेकिन सीएम सर ने लेने से मना कर रहा था। तब उनके गुरु ने कहा, ले लो। तो उसने ले लिया और उनको साष्टांग प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया, और जैसे आए थे वैसे ही चावड़ी से निकल गए। मतलब आप ये सोचिए कि
ये तो कुछ सालों की मत कुछ साल पहले की बात है। मतलब ये सोचिए, बाबा जिंदा, मतलब मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि बाबा जिंदा है, बाबा सच में है जिंदा। आप बुला कर देखिए, बाबा खुद आएगा सामने, कोई बड़ी योगी हो या हम जैसे साधारण हो, सबके पास बाबा आते हैं। ये जब मैंने पढ़ा ना, और तब से मुझे ना बाबा बाबा तो मेरे घर के हैं ना, तो तब से मैं बहुत गुस्सा था। तुमने श्री एम से बात कर किया लेकिन मुझसे बात नहीं किया, मेरे एक बार नाम ही मेरे बोल लेते, एक बार जो मेरे नाम है उससे ही पुकार लेते, मैं खुश हो जाती और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन समय लगाता है ना बाबा, वेट कर रहा हूँ। तो ऐसा है आज की बात, ये भी सच्ची घटना है और इस बुक में है, ये आप सब पढ़िए। ये कोई ऐड नहीं दे रही हूँ, ये मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा ये बुक, इसलिए बोल रही हूँ। अगर बाबा के बारे में और भी जानना है तो ये बुक ज़रूर पढ़िए, बहुत सारा ज्ञान मिलेगा यहाँ से। जो लोग स्पिरिचुअल जानने में हैं उनको बहुत सारा मदद मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्ते, फिर मिलेंगे।